मारो से मार 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 इधर 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 शिट यार ओ ओ ओ सॉरी गाइस मुझे पता नहीं था कि वीडियो स्टार्ट हो गई है आई वाज प्लेइंग पबजी। तो गाइस लॉकडाउन की वजह से मैं घर में बहुत सारा बैठ रहा हूँ और मेरे प्यारे दोस्तों ने मुझे मजबूर कर दिया पबजी खेलने में। गाइस आपको पता है पहले मुझे पबजी बहुत दूर लेते कहता था वेलों का काम है मैं नहीं खेलने वाला था मैंने कोई सोचा बट गाइस अब मैं पबजी स्टार्ट हो गया हूँ दिन रात में पबजी खेल रहा था हालांकि मैं बहुत बुरा हूँ फिर भी गाइस आपका भाई दिन रात पबजी खेले कोई चीज़ करे उसमें उसको फैशन का ना पता चले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं अपने पबजी लवर्स अपने भाइयों के लिए लाया हूँ फैशन / लाइफ टिप्स फ्रॉम पबजी। योग से ही सब शुरू करें बने ना प्रो कोई एक दिन में एक बार जो है शुरू करी चला पता बड़ा है फन इसमें। तो पहली टिप जो पबजी से मैंने सीखा था फैशन गाय वो है गाइस वेयर मिलिट्री इंस्पायर्ड क्लोथ्स। एज मिलिट्री इंस्पायर्ड क्लोथ्स से क्या मतलब गाइस ना पबजी का मेन मतलब जो मेन थीम है वो मिलिट्री है हम फौजी अपने समझते हैं पबजी खेलते के अक्सर लोग कहते हैं पर गाइस मैंने पबजी से ये देखा है कि जब आप मिलिट्री स्पैट क्लोथ्स पहनते हैं तो बड़ी महंगी लुक है सर भी आप देखते हैं मैंने ये पहनी है तो बहुत ही मस्कुलर लग रहा है वो फौजी वाली वाइब आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँ सर देखा था विंटर में पिछले सीजन में वो मिलिट्री स्पैट बूट्स बहुत इन हो गए थे तो वो मैं काफ़ी अच्छे भी लगते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिलिट्री स्पैट क्लोथ इनका फायदा क्या होता है गाइस तो बफटअप दिखा रहे थे उसी महंगी लुक काफ़ी अच्छे लगते हैं तो हाईली रिकमेंडेड। और जो दूसरी टिप है वो मेरे पबजी भाई उसमें बहुत माहिर पहले से ही है पर मैं फिर भी बता दूँ लूट करो गाइस लूट करो से क्या मेरा मतलब है गाइस जितना पबजी में हम जितना इंच होते साथ ही लूट करने लगते हैं M4 उठाते हैं स्नाइपर उठाते हैं स्कारलेट उठाते हैं कार नाइट उठाते हैं तो वो हमें क्या देती है हमें ताकत देती है अच्छा खेलने की अच्छा लड़ाई करने को चिकन डिनर जीतने की। इस तरह गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँ असल लाइफ में इस तरह आप फैशन की टिप्स दूसरों से लूट कर लें किसी तरह मैं किसी मोटे बंदे को देता हूँ यार ये काफ़ी अच्छा स्टाइल पहना हुआ यार मेरी स्किन टोन का कोई देता हूँ यार ये कलर बहुत सूट है तो मैं सिर्फ लूट करके अपने पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। इस तरह आपको भी लूट करना चाहिए आप देखेंगे अपने आपसे रिलेटेड जो लोग हैं जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं उनको देखो यार ये इसमें बड़ा मजेदार किया इसने ये जो कलर की मैचिंग है वो बहुत हैवी है उसे लूट करो उसको मार उसे छीनना लेना अपने खरीदना उसे आइडिया लूट करना लूट लो सालों को लूट लो सालों को। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपने आप को चैलेंज करो गाइस जैसे पबजी पे हमें डिफरेंट चैलेंज मिलते हैं अपने रैंक को अप करने की आरपी बढ़ाने की। इस तरह गाइस मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा अपने आप को असल लाइफ में चैलेंजेस दें। इस तरह गाइस में आपको चैलेंज मिलता है कि यार तुमने कार 98 से 10 बंदे मारनी है तो तुम्हारे इतने पॉइंट्स मिलेंगे या इतनी दफ़ा तुम रिवाइव हो अपने पार्टनर्स को तुम्हें 3 गोल्ड क्रेट्स मिलेंगे तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ खुलने को मिलेगी। इस तरह गाइस असल लाइफ में भी अपने आप को चैलेंजेस दें कि यार अगर मैं ज़्यादा क्लासिक कपड़े नहीं पहनता तो यार मैं 3 दिन तक क्लासिक कपड़े पहनने चाहता तो मैं कैसा मुझे लोग फीडबैक तो सब पता चलेगा। इस तरह गाइस आपको डिफरेंट फैशन के हिसाब से भी और जो कोई बिजनेस कर उसमें भी आपको डिफरेंट आपको चैलेंजेस दें ट्राई करें 3 दिन तक 2 दिन तक 6 दिन तक ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी फायदा देते हैं। इससे पहले मैं ये मिलिट्री स्वेट कुछ नहीं पहनता पर मैंने ये पहनी शर्ट शुरू की और यकीन नहीं मान सकते मुझे कितने कॉम्प्लीट्स मिल गया शर्ट बड़ा पीस तो बड़ा टाइट। सो गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्वाड ऑफ गाइस ना कोई भी अच्छा चिकन डिनर जीतने के लिए आपको एक अच्छे स्क्वाड की जरूरत है। इसमें एक स्नाइपर वाला होता है जो 15 जो अच्छा रश करता है एक होता है जो अच्छी गाड़ी चलाता है और एक जो मेडिक होता है जो आपको रिवाइव करता है जो ज़्यादा भी टीम में मैं होता हूँ। तो अगर इसी तरह आपको एक असल लाइफ में भी अच्छा स्क्वाड जिसको अपने बॉयज या अपने भाई कहते हो कि जब चिकने लड़के ग्रुप नाक कर निकलते हैं बच्चियाँ नीचे गिरती हैं इस तरह से आपको लाइफ में भी आपको एज ए फैशन भी जब आप एक अच्छे ग्रुप ऑफ गुड लुकिंग आए तो लोगों फायदा देती है और साथ ही साथ किसी भी बिजनेस में या किसी लाइफ टिप में आपको एक अच्छी टीम चाहिए होती है सक्सेस पाने के लिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टिप है जो सबसे बड़ी टिप है मेरे ख्याल से मैंने पबजी सीखी है वो है जोन से बचो। गेट टू द सेफ जोन। अच्छा ब्लू जोन आ रहा है अबे भाग। गाइस जिस तरह हम पबजी में जोन से भागते हैं ना क्या माइंड ना जाए इसी तरह हम अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन आ गए जैसे हम स्लोली स्लोली मर रहे होते हैं लिटरली। गाइस जिस तरह फैशन में या असल लाइफ में जब आप एक जोन आ जाते हैं कंफर्ट जोन एक चीज़ बार बार रिपीट करते रहते अपने आप को चैलेंज नहीं करते समय पहले बोलते अपने नई चीज़ें ट्राई नहीं करते तो आप जिंदगी में स्टक हो जाते हो और आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं आप जीरो पे पहुंच जाते हैं इंप्रूव नहीं करते उसके मतलब आप जीरो पे हो। ऐसा लाइफ है ना ऊपर नीचे जाए तो ऊपर नीचे जाना चाहिए उसको जब स्टेट हो जाते इसका मतलब मर गए हो। इसी तरह गाइस
मैं बहुत पीछे खुद लेजी हो गया था, मैं ना वाटर मैच पे ना फाइट करा था, मैं एक्सरसाइज सब कुछ छोड़ दिया था, बहुत लेजी हो गया जब जब लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर जब मैंने पबजी खेलनी शुरू की, फिर जोन आया, फिर मुझे आइडिया आया, और फिर ये वीडियो भी आ गई। सर नई चीज़ आपको ट्रैक करनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ नहीं करें, बट इस तरह पबजी से मैं पहले नहीं खेलता, कहता यार पबजी मेरे मैं आई एम उस टाइप का बंदा पबजी खेले, बट खेली और आई गॉट हुक्ड। काफ़ी अच्छी गेम है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और बहुत शुगर लगता है। तो मेरे पबजी लवर्स, ये सारी टिप्स इंप्लीमेंट करना, इंशाल्लाह लाइफ का अच्छी कंटेंट तुम जरूर जीतोगे। ये सारी टिप्स जरूर यूज करना, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने पबजी लवर के साथ, एंड सब्सक्राइब भी करना, एंड घंटी भी बजाना, और पबजी खेलते रहो। हाफिज़।